गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2022 एडिशन रेलवे किरण 9700 प्लस बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ टाइप 2 आज लास्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं। वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्सों में कंचों की संख्या बराबर हो। इसके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 152, 171 और 266 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मसा निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालना है आपको, कितना का 152, 171 और कितना है 266। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 19×8 हम लिख सकते हैं 152 को, और इसको 19×9 लिख सकते हैं, 19×9 171 होता है, और 266 को तो 19×, ये कितना होगा देखिए, 19 से कम 19, फिर 26 में से 19 घटाएंगे तो कितना होगा 7, और ये 6, मतलब 76 19×14 266 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो आप देख रहे हैं 19 है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 19। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यानी कि कंचों की संभव संख्या निकालना है। यहां पर हम लिख देते हैं कंचों की संभव संख्या, कंचों की पॉसिबल जितना भी संभव संख्या है वो आपको बताना है। डेट मीन्स कहने का मतलब 152 में आपको भाग देना है 19 से, और 171 में भाग देना है 19 से, और 266 में भाग देना है 19 से, और सभी भागफल को जोड़ देना है। तो ये देखिए 19 से 19 से और 19 14 266, यानी कि 8+9+14 कितना हो जाएगा 8, 9, 17, और ये कितना हो गया 14 कितना होगा, तो ये आपका 31 हो जाएगा। 31 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में 31 दिया गया है, मतलब ये 31 कंचा संभव है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर देखिए 61, एचसीएफ निकालना है 16, 48 और 104 का। 16 को हम लिख सकते हैं 8×2, 48 को 8×6 और 104 को 8×13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 8 है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया 8, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, 112, 168 और 196 का मसा निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं 28×4 और ये 28×6 है और ये 28×7 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो 28, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 का तीसरा नंबर ऑप्शन में 28 दिया गया है। इसके बाद देखिए 63, एचसीएफ निकालना है इसका, तो जो भी अंश में है उसका एचसीएफ निकालना होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब 3, 6, 9, 12 का एचसीएफ निकालना है, और जो भी हर में है उसका एलसीएम निकालना होगा, यानी कि 4, 7, 14 और 25 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 को हम लिख सकते हैं 3×1 और 6 को 3×2 और 9 को 3×3 और 12 को 3×4, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो क्लियरली दिखना चाहिए 3 है, और यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, फिर 4 और 14 का एलसीएम 28 होगा, 28 और 25 का एलसीएम 28×25, डेट मीन्स कहने का मतलब 3/28×25 कीजिए तो कितना होगा 28×5=4 से बाकी 14, 28×2=56 और 14×70, यानी कि 3/700 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन है 3/5, 9/10 और 6/25 का मसा निकालना है, तो जो भी अंश में है उसका मसा निकालना होगा, यानी कि 3, 9 और 6 का मसा निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना होगा हर में है, यानी कि 5, 10 और कितना 25, तो इसका आपको क्या निकालना होगा एलसीएम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं 3×1, 9 को लिख सकते हैं 3×3 और 6 को लिख सकते हैं 3×2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है आपका 3, और यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आप देख सकते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम तो 10 ही होगा, 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा तो 50 होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं 50, यानी कि ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में ग्रेड 1, 2 और 3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 230,
322 और 552 थी। यदि प्रत्येक ग्रेड को खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान रखी गई तो प्रत्येक खंड छात्रों की अधिकतम क्या हो सकती है। अधिकतम कहने का मतलब बड़े से बड़े, तो आपको एचसीएफ निकालना है किसका, तो 230 कितना लिखा गया है, देखिए 230 है, उसके बाद 322 है और 552 है, इसका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 46 का मल्टीपल है, मतलब 46 पचे कितना होता है 230, ये 46 सत्य हो जाएगा 322 और ये 46 से हम कितना में गुना करें कि 552 हो जाए, तो 46 से कम 46, 55 में से 46 घटा देंगे तो 9 और ये 2 यानी कि 92, अब 46 दूनी 92 होता है यानी कि 46 गुना 12 552 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो 46 है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया 46। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, 144, 288, 396 का मसल निकालना है, तो 144 को लिख सकते हैं 36 गुना 4 और ये 36 गुना 8 को हम लिख सकते हैं 288 और 396 को 36 गुना 11। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिख रहा है तो 36, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, यानी कि सबसे पहले आपको पहला सबसे बड़ा गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकालना है किसका, 56 और 84 का। तो आप जानते हैं ये 28 का मल्टीपल है, डेट मीन्स कहने का मतलब 28 गुना 2 इसे लिख सकते हैं 56 को और 84 को 28 गुना 3, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपका हो गया 28। तो ये आपका 28 जो हुआ एचसीएफ कहने का मतलब पहला सबसे बड़ा गुणनखंड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला सबसे बड़ा गुणनखंड, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ताकि हमें एक एक स्टेप समझाना है इसलिए बारीकी से हम लिख रहे हैं। पहला सबसे बड़ा गुणनखंड को ही बोला जाता है एचसीएफ, मतलब ये आपका कितना हो गया 28। अब देखिए प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, जो आपसे पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। तो देखिए 28 का यानी कि हम फैक्टर करेंगे तो 28 है जो 14 से भी कट जाता है, मतलब ये आपका सबसे बड़ा गुणनखंड तो 28 हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, ये आपका होगा 14, और तीसरा पूछता तो कितना होता 7 होता, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो 14 आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर देखिए 68, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकाल रहे हैं इसका, यहाँ 5 का घात 3 है, यहाँ पर 5 का घात 2 है और यहाँ पर 5 का घात 1 है। तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या कॉमन है, तो 5 का घात 1 सभी में कॉमन है, मतलब 5 का घात 1। इसके बाद 5 के बाद 4 का घात देखेंगे तो 4 का घात 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 का घात 4 है और यहाँ पर 4 का घात 3 है, यानी कि 4 का घात 3 है जो सभी में कॉमन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो 4 का घात 3 हमने लिया। उसके बाद आप देखिए तो इसके बाद 4 और 5 के अलावा एक 3 भी है, तो 3 का घात इसमें 5 है, इसमें 3 का घात 2 है, यहाँ पर 3 का घात नहीं है इसलिए 3 का घात नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, तो 5 गुना 64 कितना होगा, तो 60 पचे 300, 4 पचे 20 यानी कि 320। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 68 का ऑप्शन नंबर दिया गया है चौथा नंबर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मास 11 और उनका लसा 330 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 हो तो दूसरी संख्या क्या है। आपको पहले से पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का मास 11 और लसा 330 है, यहाँ पर देखिए लसा 330 है और मासा कितना है 11, और एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या कितना होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 55 छके कितना होता है तो 330, और दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 6 गुना 11 मतलब 66। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका एक नंबर ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 और 71, क्वेश्चन नंबर देखिए 70, 54, 66 और 90 का मसा निकालना है, तो 54 को लिख सकते हैं 6 गुना 9 और 66 को 6 गुना 11 और 90 को 6 गुना 15, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है तो 6, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया आपका 6, जो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। इसके बाद देखिए 71, 84, 98 और 105 का मसा निकालना है, तो 84 को लिख सकते हैं 12 गुना 7
और 98 को 14 गुना 7 और 105 को 15 गुना 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 7, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया आपका 7। ये भी आपका तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक्स और वाई का मसा निकालना है, जहां एक्स और वाई आपका प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्या का मसा एक होता है। इसका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए एचसीएफ हमें निकालना है 7 और मान लीजिए कि 11 का, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं, 11 को 11 गुना 1, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा 1। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल के सहारे हमने आपको बताया कि दो अभाज्य संख्या का मसा एक होता है, और ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, 45, 240 और 315 का मसा निकालना है, तो ऑप्शन देखते हैं 3 है, 15 है, 45 है और 5 है, तो 45 तो नहीं होगा लेकिन 15 हो सकता है, तो 15 से देखते हैं, ये 15 गुना 3 से हम लिख सकते हैं, और ये 15 गुना कितना होगा, तो 15 एकम 15, फिर 9 और 0 15 छक 90, इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो 15 गुना 15 दुनी 30 और 15 एकम 15, 15 गुनी 30 करने पर हो जाएगा 315, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो 15, इसका एचसीएफ आपका हो गया 15। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा नंबर ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75, क्वेश्चन नंबर देखिए 74, ये क्वेश्चन है, 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या को जब 4, 5 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है, वह संख्या क्या है। तो न्यूनतम संख्या कहने का मतलब छोटी से छोटी संख्या, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है 4, 5 और 7 का, तो 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पर क्लियरली दिखना चाहिए, तीनों अलग अलग संख्या मतलब तीनों का कॉमन फैक्टर आपका एक है, दैट मीन्स कहने का मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, तो 4 गुना 5 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 4, 5, 20, 7, 140। अब आपको क्या करना है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो 10,000, यानी कि 10,000 में आपको भाग लगाना है कितना से, 140 से, तो कितना बार भाग लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 94/98, यानी कि हम लिख सकते हैं 980, और यहाँ पर ये आपका 20 शेष बचेगा, और ये एक जीरो लिखेंगे, उसके बाद 140 से कम 140 लगेगा, और यहाँ पर 60 शेष बचेगा, तो ये वाला 60 शेष बच रहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं 140, दोनों का अंतर कितना का है, तो यहाँ पर देखिए अंतर हम निकाल देते हैं, 140 - 60 यानी कि 80 का अंतर है, तो आपका आंसर अब क्या होगा, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है, तो 10,000, इसमें आपको ये 80 जोड़ना है, और प्रश्न में बोला है लास्ट में कि प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है, तो ये वाला 3 आपको यहाँ भी जोड़ देना है, यानी कि 10,000 कितना हो गया, 83, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचता है, यानी कि 63 में से पहले आपको 3 घटाना है तो कितना होगा 60, उसके बाद 77 में से 5 घटाना है तो कितना होगा 72, और 98 में से 2 घटाना है तो कितना होगा 96, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है 60 का, 72 का और 96 का, यही आपका आंसर होगा। तो ये 12 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 60, और 72 को 12 गुना 6 और 96 को कितना होगा, तो 12 गुना 8 96 होता है। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियरली दिखना चाहिए कितना है, तो 12, इसलिए 12 आपका आंसर होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, 75 में कोई भी ऑप्शन 12 नहीं है, इसलिए 75 का स्टार किया गया है, मतलब आंसर शीट में यहाँ पर स्टार दिया है, यानी कि चारों ऑप्शन आपका कोई भी ऑप्शन में 12 नहीं दिया गया है इस कारण से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 20, 28 और 48 का मसा निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुना 4 20 हो गया, और 28 को 4 गुना 7 और 48 को 4 गुना 12, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये, तो चौथा नंबर ऑप्शन में 4 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 24, 60 और 90 का मसा निकालना है, तो 6 गुना 4 24 होता है, 6 गुना 10 60 हो गया, और 6 गुना 15 90 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 6, ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन में 6 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर हुआ। 77 के बाद देखिए 78 है आपका, 56, 140 और कितना है 168,
तो यहाँ पर देखिए 56 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस पहले देखिए 78 का 28 है, 7 है, 14 है और 4 है, तो 28 का मल्टीपल सारा हो जाता है। कैसे देखिए 28 गुना 2 और ये 28 गुना 5 और ये 28 गुना 6, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियरली दिखना चाहिए कितना है, तो 28। ये आपका ऑप्शन नंबर एक ही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 79 नंबर, 96, 156 और 60 का मसा निकालना है, तो ऑप्शन है 3, 4, 48 और 12। तो 48 का मल्टीपल तो 60 नहीं होता है, इसलिए 48 को छोड़ते हैं, तो 12 अब देखते हैं, यानी कि 12 गुना 8 96 होता है, 12 गुना 13 कितना होता है, तो 156 12 गुना 5 होता है 60। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना है 12। जो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ये 4 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, 175, 56 और 70 का मसा निकालना है। 175 को 25 गुना 7 लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 7 और 70 को लिख सकते हैं 10 गुना 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो 7। ये कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है 7। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हुआ। 513, 1107 और 783 का मसा निकालना है, तो बड़ी संख्या है यहाँ पर आपको, तो क्या कर लेना है, डिफरेंस मेथड का यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है, तो ये आपका बड़ा है ये छोटा है, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, 594। ये दोनों का अंतर कितना का है, तो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे 4, उसके बाद 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 2 और ये 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। अब ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा, उसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा, उसके बाद 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, यानी कि 270। अब 270 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 27 गुना 10, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना है, तो 27। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 115 में से पहले आपको घटा लेना है कितना, तो 3, कितना हो गया 112। अब 149 में से कितना घटाना है, तो 149 में से 5 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर ये आपका 44 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 183, 183 में से आपको 7 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा 6, यानी कि 176। अब आपको एचसीएफ निकालना है कितना का, 112 का, 144 का और 176 का, यही आपका आंसर होगा। तो 112 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 7 और 144 को 16 गुना 9 और 176 को 16 गुना 11, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है आपका 16। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है 16, यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 और 84। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल और उनके व्युत्क्रमों का अंतर का मसा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं y है, और यहाँ पर हमने मान लिया कि x छोटा है और y बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, तो 35 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 150 है। तो अगर जो हम पहली संख्या को 5 मानते हैं, दूसरी संख्या को 30 मानते हैं, तो ये आपका 35 हो जाता है, और 5 गुना 30 करने पर 150 भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर से आपको क्या क्वेश्चन में बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल और उनके व्युत्क्रमों का अंतर का मसा निकालना है। तो सबसे पहले 5 का व्युत्क्रम 1/5 और यहाँ पर 30 का व्युत्क्रम 1/30 का योगफल कितना होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब इसे हम 30 बनाना चाहे तो 6 से गुना कर सकते हैं, तो इसको भी 6 से गुना करेंगे, यानी कि 6 और 1 7/30 हो गया। उसके बाद 1/5 और 1/30 का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, तो 6 माइनस 1 यानी कि ये आपका 5/30। डेट मीन्स कहने का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है 7/30 का और कितना 5/30, कहने का मतलब ये कितना हो गया 1/6 का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, तो 7 और 1 का आपको क्या निकालना है, 7 और 1 का एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम निकालना होगा 30 और 6 का। तो 7 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं, एचसीएफ 1 होगा। 30 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा। तो 1/30 कौन सा ऑप्शन है,
क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है 83 का 1/30 चौथा ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पी बराबर ए गुना एम गुना आर क्यू बराबर बी गुना एम गुना टू गुना आर। यहाँ पर ए बी एम और आर क्या है विषम आभास संख्या। अब देखिए पी और क्यू का मसा निकालना है तो देखिए ए दोनों में कॉमन है नहीं कॉमन है तो ए को नहीं लेना है, एम दोनों में कॉमन है तो एम को लेंगे, आर दोनों में कॉमन है तो आर को लेंगे, यानी कि एम गुना आर तो एम आर चौथा नंबर ऑप्शन दिया है यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 54/9 3 पूर्णांक 9/17 और 36/51 का एचसीएफ निकालना है। तो ये देखिए इसे हम और सजाकर लिखते हैं, ये 9×6=54 कितना हो गया तो 6/1। अब ये कितना होगा 70/51 और 9 कितना हो जाएगा 60/17। अब ये देखिए ये कितना है तो 12×36 70/51 ये आपका 12/17 है। दैट मीन्स 6, 60 और 12 का एचसीएफ कितना होगा 6 होगा और 1, 17, 17 का एलसीएफ कितना होगा 17। यानी कि 6/17 कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है 6/17। इसके बाद देखिए 86 52 और 100 का मसा निकालना है तो 13×4=52 होता है और 25×4=100 होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कितना है 4 और 4 कौन सा ऑप्शन दिया गया है ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन में 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हुआ। देखिए 87, 81, 91, 101, 111 का मसा निकालना है तो 81 को हम लिख सकते हैं 3×4×1 और 91 को 13×7×1 और 101 को 1×101 और 111 को 1×111 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखना चाहिए कितना है 1, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 जो ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है 1। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक है टाइप तीसरा का तो टाइप टू हमने 87 तक कंप्लीट करा दिया देख सकते हैं क्लियरली। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके रिवाइज करके देख सकते हैं, अगर जो किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में तो हम उसे जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में ही अगर संभव हो तो बता सकते हैं। तो ऐसे ही इस चैनल पर आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलता रहेगा और इस बुक का कम्प्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को घंटे के बटन को ऑल में जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप देख सके। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक का नंबर सिस्टम हमने पूरा करा दिया है वो आप देख सकते हैं और दूसरा लेसन एलसीएम एंड एचसीएफ हम करा रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ भी अब बहुत जल्द ही लास्ट होने वाला है। टाइप 1 और टाइप 2 को हमने पूरा कर दिया है तो जल्दी ही टाइप 3 वाला वीडियो आज आ जाएगा। तो आप मेरा एसएससी का भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें एसएससी यूथ कंपटीशन 75-25+ का उसमें हमने पहला लेसन यानी कि अलजेब्रा समाप्त कर दिया है, दूसरा लेसन हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि अलजेब्रा के बाद होता है ट्रिगोनोमेट्री उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ये तीनों को समाप्त कर दिया है और ज्योमेट्री को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमने इसका सेकेंड पार्ट है एरिथमेटिक यानी कि उसका हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या हमने बताया हुआ है और आप उसी के सहारे यानी कि अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप कोई भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं।